साथियों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे माँ के बारे में जिसने सबका पालन पोषण किया, जिसने अपना नाम दिया, लेकिन आज उसका अस्तित्व खुद मिटने के कगार पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनबाद कोयलांचल के उस कतरी नदी के बारे में जिसके नाम पर कतरास शहर बसा हुआ है। ये देखिए साथियों, ये हमारा कतरास लेलोरी मंदिर का कतरी नदी, कतरास खा रहा है कतरी नदी। जी हाँ दोस्तों, जिस कतरी नदी के नाम पर कतरास पड़ा है उसी कतरी नदी को खा रहा है कतरास। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह ये हाल हो गया हमारे कतरी नदी का। खाई बनिया खाई, ये डैम नहीं खाई हो गया, अस्तित्व मिटता जा रहा है यहाँ का आज। ये देखिए इतना बड़ा नदी है दोस्तों, ये काफी फैला हुआ था, लेकिन आज इतना दलदल बन चुका है ये नदी, सिर्फ दलदल ही भरा हुआ। देखिए इतना टीला बन चुका है एकदम, नदी का कोई निशान ही नहीं, लग रहा है कि सिर्फ एक नाली बह रहा है, इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ। और डैम का तो हालत आप देख ही रहे, ये पूरा एकदम प्लेन हुआ करता था, कितने लोग नहाते थे यहाँ पे, लेकिन अब देखिए क्या हाल हो चुका है, डैम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्या हमारे समाज सेवियों को, क्या हमारे नेताओं को, क्या हमारे समाज को जरा भी इस नदी की, कतरी माता की कद्र नहीं है। रोना आता है दोस्तों, देखकर रोना आता है कि आखिर कब हमारा कतरी फिर से, इसकी धारा कलकल फिर से बहेगी, कब ये फिर से अपने सुंदर रूप में दिखेगी। आप देखिए साथियों, क्या इसे नदी कहा जाएगा, ये हाल हो गया, क्या इसे चेक डैम कहा जाएगा। यहाँ बगल में जो है माता लिलोरी का मंदिर है इस चेक डैम के बगल में, और इसी नदी के नाम पर जो है कतरास शहर का नामकरण हुआ है। लेकिन आज देखिए इस नदी का हाल, आज देखिए इस चेक डैम का हाल। कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, लेकिन ये देखिए क्या हाल कर रखा है आज हम लोगों ने। आज हमारा विकास जवाब दे रहा है, आज हम सभी विकासवादी नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या यही क्लीन गंगा मिशन है, क्या यही नदियों को साफ करने का मिशन है। मैं कतरास के तमाम जनता से पूछना चाहता हूँ कि कब आप लोगों का हौस फिर से जागेगा, कब आप कतरी नदी की ओर आप अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। और नेताओं से, जन समाज सेवियों से, सभी से मेरा सवाल है कि कब फिर से कतरी नदी को साफ और सुरक्षित किया जाएगा, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने कतरास सार को अपना नाम दिया, आज वो खुद खतरे पर है। क्या इस कतरी को फिर से हम सुंदर स्वच्छ देखेंगे नहीं, क्या ये चेक डैम फिर से बनेगा नहीं। साथियों, ये कतरी नदी जो है यहाँ से निकल करके मलकेरा में जाके एक और नदी से मिलता है और दू मोहिनी नाम का नदी बनकर आगे निकलता है, और ये जाकर के दामोदर नदी में मिलता है। और आप जानते हैं दोस्तों, दामोदर नदी जो है बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाता है, जो कि गंगा नदी का ही एक भाग है। तो दोस्तों, जो भी मुक्ति इस नदी में, मुक्ति धाम कही है इस नदी के किनारे, तो जो भी मुक्ति पाते इस नदी के किनारे, उनका जो है अस्थि इस नदी से होते हुए सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है। तो आप समझ सकते हैं इस नदी का कितना महत्व है। ये देखिए, कभी नदी यहाँ से भी होकर के बहती थी, लेकिन आज नदी का पता ही नहीं चल रहा, लग रहा जैसे एक टापू सा बन गया है और सिर्फ नाली का पानी बह रहा है। इतना कचरा इस नदी में आप देख सकते हैं, और डैम का तो हाल देखिए, देख रहे आप, ये एक चेक डैम है ना, इसका हाल देखिए क्या हाल हो चुका है, पूरा एकदम हर जगह एकदम टूट चुका है ये नदी। इस चेक डैम को कई साल हो गए टूटे हुए, आज तक किसी नेता ने इसका ध्यान नहीं दिया। कई बार नापी भी हुई पूरा नदी को साफ सफाई करने के लिए, लेकिन कभी भी इसका कोई काम नहीं हुआ। आज इस नदी का अस्तित्व डूबता जा रहा है। कभी ये नदी इतने उफान पर रहती थी कि गज लिटाड़ जैसे खदान को भी इसने बाढ़ से भर दिया था, खदान को बंद करना पड़ा था, लेकिन आज इस नदी को देखिए, आज ये खुद रो रहा है, पानी नहीं आंसू है दोस्तों, आंसू। ये देखिए, पानी नहीं आंसू है दोस्तों, कतरी की आंसू, वो कतरी जिसने कतरास शहर को अपना नाम दिया, कतरास शहर का पोषण किया, आज वो खुद रो रहा है। आप देखिए कितनी कचरा है, और
डैम का भी हालत आप देख ही रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कतरास की जनता से कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर नेता हर अधिकारी गण तक कतरास की हर जनता तक इस वीडियो को पहुंचे, ताकि वो लोग जो है अपनी आवाज को और बुलंद कर सके, सभी नेताओं की कान खुल सके और वो इस डैम की मरम्मत करवाए, इस चेक डैम की मरम्मत करवाए, ताकि जो भक्तगण जो श्रद्धालु यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं लिलोर स्थान में, वो यहाँ पर स्नान करके पवित्र होकर के और माँ काली की, माँ लिलोरी की, माँ नीलकंठ वासिनी की मन से पूजा कर सके और साथ ही साथ कतरी नदी का अस्तित्व बच सके। जल ही जीवन सिर्फ कहना आसान है, लेकिन जल की सुरक्षा करना भी पड़ता है, वरना आप देख ही रहे हैं जल जंगल और पर्वत के साथ खेलने पर क्या होता है। उत्तराखंड को आप चाहिए, आप देखिए कि वहां के पर्वतों के साथ छेड़छाड़ करने का क्या असर हो रहा है। आज जोशी मठ जो कई सौ सालों से शंकराचार्य जी के समय से है, आज वो खतरे के निशान पर है। कई घर मकान मंदिर में दरार पड़ चुका है, धस चुके हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया शास्त्रों में कि जल जंगल और पर्वत जो है भूधर होते हैं, पृथ्वी को धारण करने वाला होते हैं, और इनके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो प्रलय आएगा। और वही हो रहा साथी, उत्तराखंड को देखिए, आप कतरी नदी को ही देख लीजिए। कभी जो है इसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया था और गजरीटाड़ जैसा हादसा हुआ था, कई लोग उसमें डूब करके मर गए थे, आज तक वो खदान चालू नहीं हो पाया। आप देखिए कहीं ऐसा ना हो कि फिर से माँ कतरी रौद्र रूप धारण करे, फिर से कोई परिवार सुना हो जाए, किसी का घर सुना हो जाए, फिर से किसी का लाल जो है इस नदी में बह जाए, फिर से किसी का आसियाना डूब जाए। उससे पहले चेत जाइए और माँ कतरी के सफाई अभियान में लग जाइए, माँ कतरी के लिए आवाज उठाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए साथियों, ताकि हर नेता हर अधिकारी को तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि क्या हाल है इस कतरी नदी का, आप देखिए अपनी आंखों से। साथियों मैं इससे थोड़ी दूर, इस चेक डैम से थोड़ी दूर जो है छपुलवा है, जहाँ पे छह पुल कहा जाता है, उसके ऊपर से रेल लाइन गुजरी है, मेन रेल लाइन, और उस रेल लाइन के जस्ट बाद में साथियों पानी का एक छोटा सा डैम टाइप का है, जहां से जो है कतरास के रेलवे कॉलोनी को पानी सप्लाई होता है। और जब मैं वहां गया तो वहां भी साथियों वही हाल है। कभी मैं अपने दोस्तों को लेकर के वहां गया था तो वो कह रहे यार नदी बोल के जो है नाली में कुदवा दिए, मुझे बहुत बुरा लगा था। और आज देखता हूं तो सच में उससे भी बुरी हालत है, आज सच में नाली ही है। आप खुद देखिए क्या हाल है इस नदी का। जब मैंने वहां के वर्कर से वहां के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो लोग कैमरा देख करके जो है बोलना नहीं चाह रहे थे। ये यहाँ से कहाँ का पानी सप्लाई जाता है? ठीक है, कहीं कहाँ से है? आई कतरास के। कतरास से? हाँ। ये तो IW बताएंगे, मैं हम मोटर चलाने वाला। अच्छा ठीक है, कहाँ का जाता है भैया पानी सप्लाई यहाँ का? ये लोग वर्कर हैं, तो काम कर रहे हैं। मैंने कहीं का तो जाता बने यहाँ पे सप्लाई, पचगढ़ी रेलवे कॉलोनी, तो अभी पानी है उतना जितना होना चाहिए। और साफ सफाई वगैरह कब हुआ अभी? हाल ये IW साहब बताएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक का है। मैंने आप लोग का रहते हुए अभी तक मैंने एक बार भी साफ सफाई हुआ नदी का इधर ही साइड? रहते हुए तो नहीं हुआ, देखे नहीं, लेकिन हुआ है। मैंने कितने साल लगवा हो गया? डिटेल्स वही बताएंगे IW साहब बताएंगे। मैंने उनसे पूछा कि कितने वर्ष हो गए इस नदी की सफाई के, इस छपुलवा की सफाई के, तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। सब बोल रहे थे हाँ 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 होता है, लेकिन जब पूछा कितने वर्षों से तो वो वर्ष भी नहीं बता पा रहे। मैंने पूछा आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या तब उस उन वर्षों में साफ सफाई हुई होगी? लेकिन वो भी वो लोग कह नहीं पाए। वो लोग भी 5 से 10 साल वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उससे सफाई होते नहीं देखे। मैं खुद 10 वर्षों से पहले से उस नदी में जा रहा हूँ, छपुलवा हो चाहे कतरी नदी हो, मैं गया हूँ कई बार इन 10 से 20 वर्षों में, लेकिन आज तक सफाई होते नहीं देखा साथियों। मैं उस छपुलवा से और आगे गौशाला तक गया उस नदी के किनारे होते हुए, लेकिन मैंने देखा वहां भी पूरे गाद भरी पड़ी हुई है और
पानी का नाम नहीं, सिर्फ गाद, चारों तरफ गाद मट्टी भरा हुआ है, साफ सफाई का कोई नाम नहीं। साथियों, अगर इस छपरों की सफाई हो जाए, सही तरह से इसकी खुदाई हो जाए और कई अगर 100 मीटर या 200 मीटर तक अगर आगे तक खुदाई करके सफाई की जाए तो सिर्फ रेलवे कॉलोनी ही नहीं, कतरास के कई घरों में यहाँ से पानी पहुँच सकता है, लोगों की प्यास बुझ सकती है। आज शमशान में जो है साथियों बोरिंग हुई 2 दिन पहले, लेकिन पानी का लेयर बहुत कम आया। क्यों? क्योंकि भूजल जो है समाप्त होते जा रहा है, हम नदियों का संरक्षण नहीं कर पा रहे, वर्षा नदी के जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे, तो कहां से भूमि में जमा लाएगी? भूमि से जल तो तभी निकलेगी जब उसके अंदर जाएगी, हम उसे जाने ही नहीं दे रहे, हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे, एक नदी के संरक्षण नहीं कर पा रहे हम। जागिए जागिए साथियों, जागिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मां कतरी के इस नदी बचाओ आंदोलन में शामिल होइए, आप भी आवाज को बुलंद कीजिए। मैं इस ब्लॉग के जरिए अपनी आवाज को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आगे भी पहुंचाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मां कतरी का साफ सफाई ना हो जाए, जब तक ये चेक डैम का निर्माण ना हो जाए। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहूंगा। जय मां कतरी, जय मां नीलकंठ वासिनी।